अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लज़ानिया की रेसिपी। लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, हल्का सा इसे सोते कर लें। ये देखिए सोते हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। मैंने ये चिकन बॉईल करके तोड़ लिया था, बिल्कुल रेशे रेशे में मैंने इसे तोड़ लिया है। अब गैस इसमें ऐड कर दें। दो मिनट आपने इसे पकाना है। लज़ानिया बनाने में सबसे पहले आपने चिकन सॉस तैयार करनी है इसकी। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये 2 टमाटर की प्यूरी है, ये ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक है, ओरिगैनो लीव्स, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें। इसमें आप चिली सॉस ऐड कर दें, 2 टीस्पून आपने चिली सॉस ऐड करना है। दो मिनट इसे पकाएं। इस पॉइंट हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। 2 मिनट बाद आपने टमाटो केचप डालना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से इसे पकने के लिए रख दें। 15 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है। चिकन सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। ज़्यादा ड्राई आपने इसे नहीं करना, बस इतना ही रखना है। देखें, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो। पहला पॉइंट हमारा पूरा हो चुका है। अब हम व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे आएंगे। दूसरे पॉइंट पर हमें चाहिए 2 टीस्पून मैदा, 2 टीस्पून बटर, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट, आधी प्याली के बराबर आपने ये मोज़रेला चीज़ ले लेनी है। अगर आपका मोज़रेला ना हो तो चैटर चीज़ ले लें। और 2 कप के बराबर आपने दूध लेना है। सबसे पहले हम एक पैन में मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन आपने जलाना नहीं है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पर आपने इसे पिघलाना है। मक्खन पिघल जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। देखें, 2 टीस्पून मैदा ऐड करें और इतना चलाएं कि इसमें गुठलियां बिल्कुल भी ना बने। बिल्कुल फ्लेम आप मीडियम कर लें ताकि ये जले मत। और साथ ही आप इसके अंदर दूध ऐड कर दें। दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। इस मौका पे आप फ्लेम बंद भी कर सकते हैं और बिल्कुल आपने जल्दी इसे चलाते रहना है। देखिए, सारा दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए इसकी थिकनेस। इस मौका पर आप इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च,
ऐड कर दें। बिल्कुल लाइट मीडियम फ्लेम पे आपने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। और चीज़ को पिघलने दें। ये देखिए वाइट सॉस हमारी रेडी है। बिल्कुल ये देखें वाइट सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम लज़ानिया तैयार करेंगे। लज़ानिया को बॉईल करेंगे। अब हम लज़ानिया के तीसरे स्टेप की तरफ आएंगे। देखें मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था, इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। अब हम इसमें लज़ानिया डालेंगे। हम इसे हाफ बॉईल करेंगे, बाकी इसकी बेकिंग बेकिंग में ये पक जाएगा। जब ओवन में हम इसकी बेकिंग करते हैं तो बाकी ये उसमें पक जाएगा, क्योंकि हम इसे अब हाफ ही बॉईल करेंगे। 10 मिनट तक हमने इसे बॉईल करना है। लज़ानिया को सेट करने के लिए आप सबसे पहले वाइट सॉस जो हमने बनाई है इसको आप नीचे ग्रीस कर दें। बिल्कुल लाइट लाइट से आपने ग्रीस करनी है। अब ये लज़ानिया के पीस लगाएं इस तरीके से। आपने लज़ानिया के पीस लगाने हैं। ये चिकन सॉस इस पे लगानी है। अब ये सॉस इस पे आपने डालनी है। अब ये चैटर चीज है, ये गार्निश कर दें इस पे। अब फिर से आपने लज़ानिया के पीस रखने हैं। लज़ानिया अगर आपका टूट जाए तो इतना कोई मसला नहीं है। अब आप इस पे चिकन सॉस रखें। चिकन सॉस अब वाइट सॉस इसके बाद आप चैटर चीज डाल दें इस पे। आखिरी लेयर आपने लज़ानिया की रखनी है। इसके बाद आप फिर चिकन सॉस डालें। वाइट सॉस डाल दें। लास्ट लेयर में आपने फिर ही चैटर चीज इस पे डालनी है। लास्ट में अब आप इस पे शिमला मिर्च, वेजिटेबल आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ऑलिव्स डाल दें। अब हम लज़ानिया को बेक करेंगे। टाइम हमने सेट कर दिया है। अब हम लज़ानिया बेक करेंगे।
ये लज़ानिया हमारा बेक हो चुका है, हम इसकी कटिंग करके दिखाएंगे आपको। ये लज़ानिया रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।